आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भोपाल औकफ़ शाही की ओर से भोपाल की जामा मस्जिद सराफा चौक में झंडा फहराया गया। समारोह में मुख्य अतिथि में मौजूद रहे औकफ़ शाही के सेक्रेटरी आजम तिमिजी, अभिषेक जैन, राहुल गुप्ता, चंद्रमोहन अग्रवाल व चौक व्यापारियों उपस्थित रहे। चौक बाजार में भी व्यापारियों द्वारा झंडा वंदन कर मनाया गया। वहीं तिरंगे के साथ सेल्फी के लिए सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ हर साल तो आज़ादी का पर्व बनते ही सुभाष चौक पे जोरदार तरीके से, इस बार शाही औकाफ और व्यापारी संघ ने मिलकर पूरी तरीके से इसको और ज़ोरों शोर से मनाने की कोशिश की, जिसमें सबका सहयोग, हम सब लोग एक साथ मिलकर इस जश्न को हमने मनाया और बड़ा हर्ष और उल्लास का, बारिश होने के बावजूद भी बहुत अच्छा माहौल था। सब लोग, सारे व्यापारी जितने भी लोग आसपास के थे, सब इकट्ठा होकर उन्होंने झंडा फहराया है। ये जो ज़ोरों शोर इस बार आप देख रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं की अपील पे और उन्हीं के कहने पे और देश प्रेम जगाने के मकसद से इस काम को और ज़ोर शोर से किया गया। क्या लगता है, हर साल ऐसे ही रहेगा ये हर साल इससे ज़्यादा बढ़ेगा और सब लोग मिल के बढ़ चढ़ के अगले आइंदा आने वाले वर्षों में और हिस्सा लेंगे इसमें। देशवासियों को संदेश इतना सही है कि ये तो एक आज़ादी का पर्व है, इसको जितना हर्षोल्लास से मनाया जाए और सारे धर्मों के लोग उसमें आके आगे से आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लें, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। ये हमारे अभिषेक भाई, अभिषेक आदरणीय बंधुओं, दोस्तों, आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम इस 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया है और भोपाल में खास तौर से इस चौक बाजार के इस मैदान में जामा मस्जिद के पास हम लोग खड़े हुए हैं। एक गंगा जमुना तहजीब के साथ हम लोगों ने औकाफ शाही के साथ और चौक बाजार व्यापारी संघ के साथ मिलकर एक जोरदार तरीके से यहाँ पर झंडा वंदन किया और इस बीच में हमारे साथ कई हज़ार लोग शामिल हुए और औकाफ शाही का भी हम शुक्रिया करते हैं जिन्होंने बढ़िया मिठाई वितरण का व्यवस्था यहाँ स्वल्पाहार का कार्यक्रम करा और इसी तरह से गंगा जमुना तहजीब भोपाल की बनी रहे और अगला 75वां वर्ष हम जल्दी मनाएं, यही कामना के साथ मैं भारत माता की जय बोलता हूँ। जय हिंद साथियों।